महिला आईएएस जिला पंचायत सीईओ को रिश्वत देना एक निलंबित शिक्षक को महंगा पड़ गया। जिला पंचायत सीईओ ने पुलिस बुलाकर शिक्षक को गिरफ्तार करवा दिया। ये शिक्षक अपना निलंबन बहाल करवाने के लिए रिश्वत लेकर पहुंचा था। छतरपुर की जिला पंचायत सीईओ और अपर कलेक्टर तपस्या सिंह परिहार को 50,000 रुपए की रिश्वत ऑफर करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। तपस्या सिंह परिहार ने तत्काल पुलिस को बुलाकर चैम्बर से उस शिक्षक को गिरफ्तार करवा दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी विशाल अस्थाना निलंबित शिक्षक है। वह अपनी बहाली के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत सीईओ को देना चाहता था। निर्वाचन ड्यूटी पर न आने के कारण शिक्षक विशाल अस्थाना को निलंबित कर दिया गया था। शिक्षक अस्थाना माध्यमिक शाला कुपिया में पदस्थ था। वो आया था मेरे ऑफिस को इलेक्शन के दौरान, वो अनुपस्थित रह रहा था लगातार ट्रेनिंग से, तो उसको हमने सस्पेंड किया था। तो उसकी वो बहाली की रिक्वेस्ट करके, जबकि हम इसमें जांच कर रहे हैं कि उसने छुट्टी कहाँ से सैंक्शन करी, क्योंकि छुट्टी के अधिकार किसी को नहीं थे तब। तो वो उसने जवाब दिया था कि मैंने छुट्टी पर था मैं, तो उसकी हम जांच करा रहे हैं। अभी प्राचार्य से भी जांच चल रही है जिसका जवाब नहीं आया, तो इसलिए फाइल पेंडिंग थी। तो मेरे पास 50,000 रुपये की रिश्वत लेके आया था कि उसका वो सस्पेंशन से वो बहाल हो जाए। तो उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना करी, अभी वो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है सारी चीज़ें, आगे की कार्रवाई वो करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।